अमित है और मैं हरिद्वार में रहने वाला हूँ। प्रभु की सेवा हम करते हैं और आज हम यहाँ भाई के घर में आए हैं और इन्होंने अपने बेटे के लिए एक आयोजन रखा जिसमें वो सभी को आज आसपास के लोगों को अपने खाना खिलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आए और हमने इनके लिए प्रार्थना करी और प्रभु से इनके लिए आशीष मांगी। और प्रभु हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु इनको आशीष दे और इनके परिवार की उन्नति करे और इनके जीवन में खुशियां लेकर आए ताकि ये और ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। परमात्मा ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया और दोनों को एक साथ रखा, ठीक है, एक साथ उनको रखा है। और नारी को परमेश्वर ने बराबर का दर्जा दिया ना, बराबर का दर्जा, उसको पांव की जूती नहीं बनाया, उसको क्या रखा है, बराबर का उसको दर्जा दिया है। तो परमात्मा भेद नहीं करता तो हमें भी भेद नहीं करना चाहिए।